अस्सलाम वालेकुम आई होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ़ एंड हैप्पी आई एम योर सोशल स्टडी टीचर मिस फरहीन एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर सोशल स्टडी क्लास माय डियर स्टूडेंट्स एज यू नो दैट टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टाइम जोन फ्रॉम योर जोग्रफी चैप्टर दैट इज़ यूनिट नंबर फ़ाइव एंड दिस इज़ लेक्चर नंबर फ़ाइव सो माई डियर स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जो है टॉपिक है जिसको हम टाइम जोन कहते हैं और ये क्यों इंटरेस्टिंग है क्योंकि मुख्तलिफ दुनिया के हिस्सों में आपको uh, जैसे अभी पाकिस्तान में सुबह का वक्त है uh, तो अगर आप ऑस्ट्रेलिया की तरफ मूव करेंगे तो वहाँ दोपहर का या शाम का वक्त हो रहा होगा तो ऐसा क्यों होता है क्यों मुख्तलफ़ जगहों पर मुख्तलिफ जो है वो वक्त होता है आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे सो माय डियर स्टूडेंट्स बिफोर मूविंग ऑन टू वर्ड्स दिस क्विकली रीकैप व्हाट वी डिड इन द प्रीवियस लेक्चर सो माय डियर स्टूडेंट्स लॉन्गीट्यूड्स और लैटिट्यूड्स हमने डिस्कस किए थे सो क्विकली टेल मी व्हाट लाइंस और व्हिच लाइंस आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस

पढ़ चुके हैं आप लोग पढ़ चुके हैं इसको प्रीवियस में जल्दी से सोचें वेरी गुड किसने कहा दिस इज इज अ अ वेरी गुड यस इट और ये किस लिए इस्तेमाल होता था जी हाँ बिल्कुल पुराने जमाने में क्योंकि घड़ियां इजाद नहीं हुई थी तो लोग वक्त का अंदाजा सन डायल की मदद से लगाया करते थे क्योंकि इसके ऊपर जो ये स्टिक या ये लकड़ी नस्फ है या ये एक जो पॉइंटेड ऑब्जेक्ट uh, इसके ऊपर लगाया गया है बेसिकली इसका शेडो जो है जब वो शेडोज लंबे होते थे जिस डायरेक्शन में होते थे उस हिसाब से जो है लोगों को सुबह का शाम का दोपहर के वक्त का अंदाज़ा हुआ करता था सो माई डियर स्टूडेंट्स उसके बाद क्या हुआ कि क्लॉक्स जो हैं ये जो है इजाद हुए और इसके बाद जो है लोग अब आजकल भी घड़ी के ऊपर टाइम देखकर जो है वक्त का अंदाज़ा लगाते हैं Okay, my dear students. Uh, so let's quickly look at the Islamic perspective. So it is who who has made earth a cradle for you uh, and has traced out ways therein. Okay, my dear students. So let's quickly move forward towards the refresh of the knowledge. Uh, so quickly tell me, is prime meridian an imaginary line? Yes. All the lines which we draw, are, um, equator, prime meridian, longitudinal lines, latitudinal lines. इमेजनरी लाइन्स हम स्पेसिफिक लोकेशन को बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेट करने के लिए और टाइम जोन को पढ़ने के लिए ये लाइन्स जो है खुद इमेजनरी ख्याल तकयलाती लाइन्स जो है ड्रॉ करके जो है हम उसको स्टडी करते हैं जोग्राफी को ओके माई डियर स्टूडेंट्स को क्विकली ओपन पेज नंबर सिक्सटी एट वेरी गुड सो माय डियर स्टूडेंट्स टाइम जोन के बारे में हम इसलिए पढ़ रहे हैं और क्यों ये एक बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताती हूँ कि पहले ज़माने में या कुछ वक्त पहले उन्नीसवीं सदी तक भी तमाम दुनिया अपना अपना टाइम जो है अपने हिसाब से फॉलो करती थी कोई एक स्टैंडर्ड टाइम नहीं था इवन दो जो एक घंटा है वो साठ सिक्सटी सेकेंड्स का सिक्सटी मिनट्स का होता है ये चीज भी पहले डिफाइंड नहीं थी कि एक घंटे की कितनी मैयाद होगी ठीक है और या एक दिन में कितने घंटे होंगे सो so, उसके बाद जो है क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जो है जब दुनिया आपस में कनेक्ट होने लगी और हम जिसको अब ग्लोबल विलेज कहते हैं कि पूरी दुनिया आपस में कनेक्ट हुई हुई है और जैसे जैसे ट्रेड्स जो हैं आपस में बढ़नी शुरू हुई तो लोगों ने टाइम को स्टैंडर्डाइज़ किया किस तरीके से स्टैंडर्डाइज़ किया क्योंकि ग्रीन विच जो है उसमें से प्राइम रेडियन गुजरता है विच इज़ एट ज़ीरो डिग्री तो उस टाइम जोन को स्टैंडर्ड टाइम मान कर बाकी दुनिया जो है उसके हिसाब से टाइम को फॉलो करती है जो ममालिक प्राइम रेडियम से ईस्ट की तरफ है वो ग्रीन विच के टाइम में टाइम ऐड करते जाते हैं और जो प्राइम प्राइमरेडियम से वेस्ट की तरफ है वो टाइम उसमें से सब्रैक्ट करते जाते हैं तो अभी यही चीज किस तरीके से एड ऑन और सब्ट्रैक्ट होती है मैं आपको मैप दिखा के ये चीज शो करूंगी सो लेट्स क्विकली स्टार्ट स्टडिंग इट सो क्विकली रीड इट विद मी टाइम जोन द लॉन्गिट्यूडल लाइन लोकेटेड एट दीरोज कॉल्ड प्राइमरेडियन ये तो सब बच्चों को बात मालूम है ग्रीन विच इन इंग्लैंड लाइज एट जीरो डिग्री तो मैंने आप लोगों को ये बात बताई थी कि ग्रीन विच इज अ कंट्री विच इज इन इंग्लैंड और ग्रीन uh, विच uh, uh, जो एक जगह है इंग्लैंड में इंग्लैंड uh, का एक सिटी है ये उसके दरमियान से प्राइम रेडियन बिल्कुल एग्जैक्टली exactly गुजर रहा है तो हम उसको भी जीरो डिग्री पे मान के उसको स्टैंडर्ड हम उसके टाइम को स्टैंडर्ड जो है हमने मान लिया कि इसके टाइम से हम टाइम आगे करेंगे ऐड करेंगे इसमें या इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे There are 180 degrees of longitudinal lines in the east of prime meridian and 180 degrees towards the west of the prime meridian. So, my dear students, humne in total padha tha ki there are 360 uh, longitude uh, longitudinal lines. ऐसे ही पढ़ा था हमने कि ये जो lines इस तरीके से north to south draw हुईं हैं, ये total 180, uh, 360 lines हैं. 180 जो हैं वो east की तरफ है और 180 जो हैं वो west की तरफ हैं. टूडे ऑल क्लॉक्स आर सेट अकॉर्डिंग टू द्रीन विच नोन एज ग्रीन टाइम जी एम टी और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम आई एस टी सो माई पूरी दुनिया के क्लॉक्स जो है आजकल ग्रीन विच के टाइम के अकॉर्डिंग सेट करते हैं उसमें एड करके या सब्ट्रैक्ट करके ठीक है और इस टाइम को जी एम टी ग्रीन विच टाइम या आई एस टी कहा जाता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम विद रेफरेंस टू द लॉन्गिट्यूड वर्ल्ड टाइम इज डिड इन टू ट्वेंटी आउट ऑफ दिस इन दस्ट एंड ट्वेल्व इन द वेस्ट ऑफ द ग्रीन विच सो माई डियर स्टूडेंट्स लॉन्गिट्यूड के रेफरेंस के हिसाब से दुनिया के टाइम को ट्वेंटी फोर टाइम जोन में डिवाइड किया गया है और बारह जो है वो ग्रीन विच के ईस्ट में है और बारह ग्रीन विच के वेस्ट में है ऑल कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड फिक्स दाइम अकॉर्डिंग टू द प्राइम रेडियन जीएमटी और तमाम दुनिया इसी स्टैंडर्ड टाइम को फॉलो करती है इसके हिसाब से अपनी घड़ियों को सेट करती है अब घड़ियों को सेट करने का क्या तरीका उसका मैं आपको बताती हूं द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम फॉलो द ग्रीन विच मीन टाइम नाउ एज वी मूव टू द ईस्ट फ्रॉम ग्रीन विच द टाइम विल बी एडेड सो माई डियर स्टूडेंट जैसे ही हम ग्रीन विच से ईस्ट की तरफ मूव करेंगे टाइम उसमें एड होना शुरू हो जाएगा फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान इज टू वर्ड्स ईस्ट ऑफ द ग्रीन विच देआर फोर नून एट ग्रीन विच टाइम विल क्रिस्पॉन्ड टू ट्वेल्व प्लस फाइव दर इज सेवेंटीन यानी कि अगर ग्रीन विच में बारह बज चुके हैं तो हम इसमें पांच घंटे और एड कर देंगे और इसका क्या मतलब है कि अभी पाकिस्तान में शाम के पांच बज रहे हैं और ग्रीन विच में अभी दोपहर के बारह बज रहे हैं ठीक है तो इस तरीके से हम स्टैंडर्ड टाइम के अंदर पांच घंटे जो है वो ऐड कर देंगे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम पी और ये पाकिस्तान का स्टैंडर्ड टाइम बन जाएगा सिमिलरली सिमिलरलीविंग टूवर्ड्स द वेस्ट ऑफ द प्राइम द टाइम इज मेरे फ्रॉम द ग्रीन विच टाइम सो माई डियर स्टूडेंट्स जैसे ही आप वेस्ट की तरफ ग्रीन विच से मूव करेंगे तो वहां पे टाइम जो है वो सब्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा अब किस तरीके से एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं लेट्स क्विकली है लुक सो माय डियर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि ये प्राइम रेडियन है इज एट डिग्री ये ग्रीन विच जो है उसमें से पास कर रही है ये टाइम जो है इसको हमने जी या इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम जो है वो कह दिया अब अगर हम टूवर्ड ईस्ट मूव करेंगे तो टाइम जो है वो एड हो जाएगा इसके अंदर और अगर हम वेस्ट मूव करेंगे तो टाइम सब्ट्रैक्ट होगा यहां से ठीक है तो आप देख सकते हैं जैसे ही आप जीरो से इस तरफ मूव कर रहे हैं तो जितने भी कंट्रीज डार्क ऑरेंज हैं उनमें एक घंटा सब्ट्रैक्ट होता जाएगा फिर ब्लू में टू घंटे फिर इस तरीके से दे विल कीप ऑन और इसी तरीके से जो येलो में है कंट्रीज वहां एक घंटा ऐड होगा जो ऑरेंज में है कंट्रीज फॉर एग्जाम्पल दीज कंट्रीज आर ऑरेंज एंड हेयर समवेयर इज पाकिस्तान ठीक है ये इंडिया है तो ये पाकिस्तान है ये पाकिस्तान है ठीक है तो यहां पे इसी वजह से पाकिस्तान में पांच घंटे जो हैं वो एड हो रहे हैं ये बात आपको समझ में आ रही है और जैसे जैसे आप आते जाएंगे आधा घंटा पौना घंटा फिर एक घंटा इस तरीके से दे विल कीप ऑन एडिंग और इसी तरह अगर आप वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो टाइम एक एक घंटा जो है यहां से फिर माइनस टू माइनस थ्री इस तरीके से सब्ट्रैक्ट होता जाएगा तो ये स्टैंडर्ड टाइम हमने ग्रीन विच मीन टाइम के अकॉर्डिंग या इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम भी कहा जाता है उसको स्टैंडर्ड मान के एड या हम उसमें से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं अपने कंट्री uh, की पोजीशन के हिसाब से सो माय डियर स्टूडेंट्स यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपने नोट करनी है कि सूरज को देख के वक्त देखना जो है बताना जो है वो एक मेथड है ठीक है उसको स्टैंडर्डाइज हमने किस तरीके से किया कि हमने उसको अपने मुल्क के जो पोजिशनिंग है उसके हिसाब से हमने उसके अंदर जो है उसके अंदर एक स्टैंडर्ड बना के और हमने उसको फिक्स कर लिया कि इफ वी आर हेयर तो हम पांच घंटे ऐड करेंगे इफ हम छह घंटे ऐड करेंगे तो दिस विल मूव ऑन एंड ऑन ओके माय डियर स्टूडेंट्स नाउ नाउर यू कैन सी वॉल शोइंग डिफरेंट टाइम ऑफ द वर्ल्ड एट द सेम टाइम फॉर एग्जाम्पल अभी ग्रीन में दोपहर के uh, सॉरी uh, सुबह के क्या टाइम हो रहा है uh, सुबह के चार बज रहे हैं तो अगर आप इधर वेस्ट की तरफ मूव करेंगे तो यहां एक घंटा पीछे हो जाएगा इस एरिया में और यहां सुबह के तीन बज रहे हैं या दोपहर के तीन बज रहे हैं अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहां रात के दस बज रहे हैं ठीक है और अगर आप इस तरफ आएंगे तो यहां रात के नौ बज रहे हैं तो इस तरीके से और यहां पर टाइम जो है वो एड होता जाएगा सो दिस इज हाउ वी विल कैलकुलेट द टाइम सो जीरो डिग्री इज द प्राइम रेडियन so 12 zones are on the west side and 12 zones on the east side total are 24 time zones so now is the time for a class activity identify the time zones of different countries on the globe to the class then make groups of the students in front of the class each group will mark at least three consecutive time zones and the countries lying within so my dear students ab apne teen uh, Uh, हर आप टीचर्स जो है वो मुख्तलि uh, के टाइम जोन जो है इसी तरीके से ग्लोब बच्चों को दिखाकर वहां पर टाइम पूछे अगर ग्रीन विच में ये टाइम है तो वेस्ट की तरफ करेंगे तो क्या टाइम होगा ईस्ट की तरफ मूव करेंगे तो क्या टाइम होगा पहले बच्चों से आप इस तरीके से क्वेश्चनिंग करें ग्रीन विच का स्टैंडर्ड टाइम आप बोर्ड पर लिख दे फॉर एग्जाम्पल दोपहर के बारह बज रहे हैं ठीक है इट इज ट्वेल्व पी एम दैट इज दोपहर के बारह ठीक है अगर ट्वेल्व एम होता तो रात के 12 होते तो आप बच्चों से इस तरीके से पूछे कि दोपहर के अगर ग्रीन विच में 12 है तो इंडिया में क्या टाइम होगा चाइना में क्या टाइम होगा तो इस तरीके से बच्चे टाइम जोन्स जो हैं उनको बुक से देख भी जो है वो टाइम बता सकते हैं कि अभी यहाँ ये यह टाइम होगा यहाँ ये यह टाइम होगा और उसके बाद आप बच्चों से इसी तरीके से मुख्तलिफ टाइम जोन्स में तीन तीन कंट्रीज पूछे कि सेम टाइम जोन में फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान में चार बज रहे हैं तो और कितने कंट्रीज में अभी शाम के चार या उसके अंदर अंडर टाइम जोन के जो है वो सिमिलर टाइम जोन में कितने कंट्रीज आते हैं तो क्विकली डू दिस क्लास एक्टिविटी आई होप आपने कर ली होगी सो so, आपकी हेल्प के लिए यहां मैंने मुख्तलिफ कंट्रीज लिखे हैं जैसे कि कैलग्री डॉस न्यूयॉर्क मुख्तलिफ सिटीज हैं पेरिस लंदन, बर्लिन मॉस्को ये मुख्तलिफ़ के मुख्तलिफ सिटीज़ हैं जहाँ पे एट द सेम टाइम मुख्तलिफ वक्त हुआ हुआ है जैसे फ़ॉर एग्ज़ाम्पल सिडनी में अभी दिन के पाँच बज रहे हैं या शाम के पाँच बज रहे हैं और आप यहाँ देखें यहाँ बारह बजे में तो इस तरीके से एक ही मोमेंट पे मुख्तफ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ टाइम है सो फॉर योर हेल्प मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ़ीज़ के जो टाइम्स हैं ऐट द सेम मोमेंट जो है वो लिख दिए हैं ओके माई डियर स्टूडेंट्स सो एज़ यू कैन सी के uh, मुख्तलिफ़ टाइम जोन हैं ये इलेवन ए एम का टाइम जोन है और आप देख सकते हैं कि अगर ग्रीन uh, विच में दोपहर है इट इज़ नून तो आप यहाँ पे पीछे जाएंगे तो एक घंटा पीछे हो गया सुबह के ग्यारह बजे में अगर आप यहाँ से आगे जाएंगे तो अभी यहाँ दोपहर के एक बजा हुआ है तो इस तरीके से ये टाइम जोनस जो हैं दे आर वेरी डिफरेंट So, अगर आप यहाँ आ जाए इस एरिया में तो यहाँ अभी आप ये देखें एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ यहाँ रात के नौ बज चुके हैं और यहाँ अभी दोपहर ही है तो आप देखें कि किस तरीके से टाइम जोन जो है और इस टाइम जोन में कौन कौन से कंट्रीज आ रहे हैं यहाँ पे मनीला है देन समवेयर है इज टोक्यो ऑस्ट्रेलिया एंड दीज आर द डिफरेंट टाइम जोन सिमिलर टाइम जोन के अंदर ये चीजें आ गई ठीक है सो so, इस तरीके से आप देखेंगे कि किस तरीके से जब आप प्राइम मरेडियन विच इज एट द जीरो लेवल और वो ग्रीन विच में से पास हो रहा है विच इज अटी ऑफ इंग्लैंड उसके साथ हम किस तरीके से टाइम को एड और सब्ट्रैक्ट करते हैं एंड एज वी मूव फर्दर टर्ड्स हेयर तो आप देखेंगे यहाँ रात के बारह बजे में इट इज मिड नाइट हेयर और यहां अभी दोपहर के बारह बजे में है ऑन द प्राइम रेडियन ग्रीन विच पे जितने भी प्राइम रेडियन के पास जितने भी कंट्रीज हैं सो दिस इज हाउ टाइम वेरीज इन डिफरेंट कंट्रीज एट द सेम मोमेंट और इसी को टाइम जोन कहा जाता है सो माई डियर स्टूडेंट्स फॉर प्रैक्टिस यू कैन डाउनलोड दिस वर्कशीट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दिस वीडियो और यू कैन गेट इट एंड प्रिंट प्रफॉर्म बायो टीचर सो माई डियर स्टूडेंट्स ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्टिविटी वाली शीट है जो कि आप करने में आपको बहुत uh, मजा आएगा सो राइट डाउन योर नेम एंड योर क्लास और आप देखें कि यूजिंग द फॉलोइंग मैप टू आंसर द क्वेश्चन बिलो सो माई डियर स्टूडेंट्स मैंने आपके लिए एक मैप यहाँ पे uh, बनाया है और फिर मैंने क्या किया मैंने आपको कुछ सिचुएशंस दी हैं टू गेस्ट द टाइम एट डिफरेंट पोजिशन सो रिमाइंड रिमाइंडर आपके लिए क्या है फिफ्टीन डिग्रीज ऑफ द लॉन्गिट्यूड इज इक्वल टू वन आर ऑफ द टाइम डिफरेंस सो माई डियर स्टूडेंट्स जो फिफ्टीन डिग्री है हर पंद्रह डिग्री के ऊपर एक घंटा एड हो रहा है या सब्ट्रैक्ट हो रहा है ठीक है सो वन आवर टाइम डिफरेंस का मतलब है कि अगर आप प्राइम रेडियन से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं तो एक घंटा ऐड हो गया फिर एक घंटा ऐड हो गया और इधर एक घंटा सब फिर एक घंटा इधर भी सो इफ इट इज इन लोकेशन ए अगर लोकेशन ए में वेयर इज लोकेशन ए ये लोकेशन ए है यहां पे सुबह के नौ बज रहे हैं सो वट टाइम इट इज इन द फॉलोइंग लोकेशन लोकेशन ई पे क्या टाइम होगा सो दिस इज लोकेशन ई तो यहां नौ बज रहे हैं और किस डिग्री पे है ये इसको देखें सबसे पहले इट इज एट 75 डिग्री अब ई कौन सी डिग्री पे है इट इज एट 105 डिग्री सो so यहां अगर सुबह के 9 है तो अब आपने सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से एक घंटा सब्ट्रैक्ट इसमें से दो घंटे सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ठीक है तो सुबह के 9 यहां पे सुबह के सात बजने चाहिए तो देखते हैं आपका कैसे टाइम ठीक आ रहा है ये देखें यहां सुबह के सात बजे में इसी तरह तमाम लोकेशंस पे मैंने टाइम जो है वो फिलअप कर दिया है

सारा रिलेशन ही लॉन्गिट्यूड्स का और टाइम ज़ोन्स का बिकॉज प्राइम रेडियन इज ऑल्सो लॉन्गिट्यूड, वट इज़ एट द जीरो डिग्री सो वी डिटर्मिन द टाइम थ्रू दिस लॉन्गीट्यूडनल लाइन दैट देर आर वी हैव डिवाइडेड दैम इंटू ट्वेंटी फोर टाइम जोन्स ट्वेल्व ऑन द ईस्ट एंड ट्वेल्व ऑन द वेस्ट ऑफ दिस लॉन्गीट्यूडनल लाइन सो माई डियर स्टूडेंट्स इन टूडेज लेक्चर वी हैव डिस्कस अबाउट द टाइम जोन्स के दुनिया में एक ही वक्त पर मुख्तलिफ टाइम किस तरीके से क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड जगह का टाइम सेट कर लिया और उसी में हम टाइम को एड या सब्ट्रैक्ट करके अपने हिस्से का जो ये अपने एरिया का जो टाइम है वी कैन डिटर्मिन दैट आई होप यू हैव इंजॉय टूडेज लेक्चर कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट ग्रिड रेफरेंसिंग टू नो द लोकेशन ऑफ अ स्पेसिफिक एरिया अंटिल देन कीप एवरीबडी अराउंड यू सेफ अ गुड डे थैंक यू सो मच एंड अल्लाह